इज डेप्रिसिएशन नॉन कैश? ये डेप्रिसिएशन होती क्या है सर? सर इज डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट? सर क्या लैंड डेप्रिसिएबल है? अरे ऐसे कई सवाल मैं जब अपने बच्चों से पूछता हूं तो कई इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जवाब मुझे मिले, खासकर लैंड के केस में मुझे बताया जाता है कि सर लैंड इसलिए डेप्रिसिएबल नहीं है क्योंकि लैंड की कॉस्ट एप्रिशिएट करती है, परपेचुअल लाइफ होती है। व्हाइल दिस माइट बी ट्रू, बट प्लीज टेल मी बच्चों, क्या लैंड की प्राइस गिर नहीं जाती कई बार? मार्केट में जब लैंड की प्राइस गिर जाती है तो क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन देंगे? पॉइंट तो है ना यार। या बिल्डिंग पे अगर आप मेरे को ये बोले कि बिल्डिंग की कॉस्ट हमेशा कम होती है, ये बात भी गलत है। अब मैंने बिल्डिंग आज से 20 साल पहले बनाई, आज उसको बनाने का खर्चा बढ़ गया, तो आज अगर हम बिल्डिंग की वैल्यू निकालें तो शायद वो ज्यादा पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल 20 साल पहले अगर वो बिल्डिंग 10 लाख की थी, आज अगर वो 25 लाख की पड़ रही है, तो क्या आप मेरी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन देना बंद कर देंगे? All these questions need answers and we need confirmed answer. मतलब ये नहीं हो सकता कि हमारा रूल 9/10 चले, हमारा रूल 10/10 टाइम्स चलना चाहिए। तो कई कॉन्सेप्ट हमने 11वीं में पढ़े, 12वीं में पढ़े, कई कॉन्सेप्ट हमने फाउंडेशन में पढ़े, पर शायद उन पे थोड़ा और डिटेल में जाना जरूरी है, बिकॉज 3 साल बाद पीपल विल पे मनी टू लिसन टू यू। यू आर गोइंग टू बी द लास्ट वर्ड इन फाइनेंस इन दिस कंट्री, सो योर कॉन्सेप्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। तो आइए ज्वाइन मी एज वी स्टार्ट बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स ऑन द 13th of July। आशीर्वाद बैच शुरू हो रहा है, राहुल सर, पोपली सर, सचिन सर और मैं आपका फाउंडेशन बिल्ड करके आपके इंटरमीडिएट की पूरी तैयारी कराएंगे। चलो आइए, लेट्स हैव फन एंड लेट्स आंसर ऑल द क्वेश्चंस राइट डाउन टिल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लेट्स क्रैक इट टुगेदर।